ये हौसलों की उड़ान है। होली की शुभकामनाएं चकोर। हमें खुद पे काबू रखना पड़ेगा। अगर तेजस्विनी जी और बस्ती वालों को शक भी हो गया कि सूरज की जान को खतरा है तो सबकी होली खराब हो जाएगी। पहले हमें पता लगाना होगा कि सूरज है कहाँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आज हम बहुत खुश हैं। तेरा तोता अभी भी जिंदा है। इससे पहले कि उसकी किस्मत पे मौत की मोहर लगे, ढूंढ ले उसे। हम सूरज पे एक आंच भी नहीं आने देंगे। और हमें विश्वास है कि ये जो बार बार आप उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, उससे आप खुद ही अपने अंत की तरफ जा रहे हैं। रागिनी, ये हमारा आखिरी हमला है सूरज पे। कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। जी पापा, कल सूरज को हमेशा के लिए ग्रहण लग जाएगा। आइए रंजन। क्या है, क्यों हमारे पीछे पीछे आ रही है? हमने कहा ना, हमें होली नहीं खेलनी है। अगर किसी को हमारी परवाह नहीं है तो हमें भी किसी की परवाह नहीं है। अरे, हम अपने साथ खेल की बात नहीं कर रहे थे। चकुरिया दीदी के साथ तो खेले हो ना होली। चकोर कहाँ है? चकोर कितना तेज चल रहे आप, हमका थकाई दिए। सुन हमारी बात, चकोरिया दीदी बस्ती में आ गई है और वो आपको ढूंढता है। क्या, चकोर बस्ती में? अरे सूरज भैया, अगर चकोर यहाँ पर आई थी तो गई कहाँ? लगता है हमारी ये होली बेरंग ही रह जाएगी, बिल्कुल बेरंग। चकोरिया, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी माई। सबसे पहले रंग सूरज भैया के ऊपर चकोर दीदी डाली है। चलो हटो। चकोरिया, बचवा तुरी मांग भरी हुई है। सूरज बाबू तुरी मांग भरेगा। अरे माई, सूरज कहाँ है? हम उसी को तो ढूंढ रहे हैं। अरे ये क्या बोलत है तू? सवेरे से जमाई बाबू यहाँ पे चार बार आई चुके हैं। हाँ, तो कहा ढूंढने के लिए, ना जाने कहाँ गए, यही तो थे अभी। माई माते, अरे अरे सुन तो, गुजिया तो खाई जा। हटो हटो हटो। सूरज भैया, अब उधर देखिए, हम इधर देखते हैं, कहीं ना कहीं तो चकोर दीदी मिल जाइए। ठीक है।
दीदी पहवा ठीक हो ना दीदी? अकेले अकेले होली खिलत है, इका तो हम बतावत है। अरे रुको दीदी। इमली नहीं नहीं, इमली की बच्ची रुक जा। नहीं नहीं नहीं, दे नहीं देंगे। ठीक है इमली। अबे सारा मूड खराब कर दिया। हमने सोचा था कि चकोर हमें सबसे पहले रंग लगाएगी, ये क्या कर दिया? चकोर तुमने इमली को कहीं देखा? खैर छोड़ो, तुम उसे बता देना कि हमें होली छोड़कर जाना पड़ा, बहुत जरूरी काम है, क्लाइंट आ रहा है बाहर से, उसे पेमेंट भी करना है। आज के दिन भी काम? ठीक है जाओ, हम बता देंगे। अरे पाखी, तूने सच में चकोर को यहाँ पर देखा था कि नहीं? देखा तो था पर अभी नहीं देखा था। क्या पता चकोर यार दीदी अभी नहीं वापस चले गए हो, आप वहीं जाके क्यों नहीं मिलते? हाँ तू ठीक कह रही है पाखी, वैसे तो हमें हवेली में जाने की मनाही है, लेकिन हम हवेली जाएंगे चकोर से मिलने के लिए नहीं, बल्कि उससे ये कहने के लिए कि अगर वो होली पर हमें नहीं मिलना चाहती है तो कोई बात नहीं, आगे भी हमसे मिलने की जरूरत नहीं। क्या हुआ दीदी, हमसे डर गई का? नहीं इमली, विवान तुझे ढूंढ रहा था, वो कुछ जरूरी काम से ऑफिस गया। तो विवान का रोका कहीं नहीं, ऐसे कैसे जाने दिया? ऐसा भी कौन सा जरूरी काम है तो हमसे बिना मिले ही चले गया? इमली होगा कोई जरूरी काम, कोई बात नहीं ना। लो कर लो बात, हम सूरज भैया को हवेली भेजे और चकोर दीदी यहाँ है। ठीक है, अगर विवान चला गया ना तो हम उनके पीछे पीछे ऑफिस चले जाइए और वहाँ होली खेले, चाहे केवल हम दोनों होंगे, और जो गुजिया है ना वो भी हम लेकर जाइए विवान के लिए। हम जा रहे हैं। चकोर दीदी आप कहाँ कहाँ थी, हम सब जगह छान मारे हैं, और सूरज भी अभी। सूरज कहाँ है? सूरज वो आपको हवेली ढूंढने गए हैं। हवेली गया? अरे मैं यारी मौत के मुंह में खुद ही चला गया। सूरज ठीक है हम आते हैं। फिल्म के हिसाब से हमें ऐसा लागत है कि चकोरिया दीदी भी सूरज भैया से बहुत प्यार कर रहे थे, एकदम हीरोइन की जैसे। आज की स्पेशल होली के उपलक्ष में हमने आप सब लोगों के लिए खास तैयारी की है। हमने खास आप लोगों के लिए ये बस मंगवाई है ताकि आप सब लोग सीतापुर के मेले में जा सके और मजे लूट सके। सूरज कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा, उसके बिना तो ये खेल हो ही नहीं सकता। जिसकी बलि चढ़ानी है वही बकरा गायब है। अरे सूरज बाबू कहाँ जा रहे हैं आप? चकोर से मिलना है हमको। अच्छा, चकोर भाभी तो हवेली में नहीं है, वो तो कभी का बस्ती की ओर चली गई। क्या ये क्या हो रहा है हमें? हम क्यों पागलों की तरह चकोर को ढूंढ रहे हैं? अगर यही प्यार है तो सजा क्या होगी? इससे तो अच्छे हम पहले ही थे, ना कोई दुख था ना चिंता और ना ही प्यार।